अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को, मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि इस चैनल के थ्रू जो है मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन को अपलोड कर दूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट लिया इंटीग्रेशन का। यहाँ पर एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा, ये होगा क्या, आप लोगों को किसी चीज़ के ऊपर अगर पावर आ जाए तो आप लोगों को ये देखना होगा कि पावर के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है क्या उसका डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है या नहीं। क्या मतलब ये कि यहाँ पर क्वेश्चन है x³ + 1 और इसके ऊपर पावर है, तो पावर के अंदर वाली जितनी भी चीज़ है x³ और +1 इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन इजीली। अच्छा, क्या होगा, x³ का इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव होता है 3x² और +1 का जो होता है वो 0 डेरिवेटिव, तो 3x² इट्स मीन के मैं x⁵ को ब्रेक कर दूँ अगर इस तरह से। x³ + 1 और x² में ब्रेक कर दिया, देन x³ में ब्रेक कर दिया। अच्छा, देखें अगर वापसी आप इन लोगों को इन्हें मल्टीप्लाई करें x² को x³ को, देन x⁵ जो है वो हमें दोबारा मिल जाएगा। और हमने क्यों ब्रेक किया है, इसकी वजह यह है कि पावर के अंदर वाली चीज का हमें डेरिवेटिव बनाना है यहां पर। अच्छा, हम सपोजिशन ले लेते हैं, लेट t = x³ + 1, अप्लाई डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx हो जाएगा ये, और 3x² हो जाएगा ये, +1 का 0, तो क्या हुआ, dt/3 = x²dx, यही हो गया। देखें x²dx इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, dt/3, तो लिखूंगा ऐसे, x³ + 1 की जगह मैंने सपोज किया है t, तो मैं t ले लूंगा, x³ जो है, x³ की भी तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x³ की यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, यहां पर x³ = t - 1 हो जाएगा, तो ये t - 1 और x²dx dt/3। अच्छा, क्या करें कि कांस्टेंट को आप बाहर ले जाएं इंटीग्रेशन से, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो 1/3 में बाहर ले गया और आपका बचा t⁷/5 t - 1 dt। अब आपको सिंपल स्टेप है, आपको जो t⁷/5 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, t से मल्टीप्लाई करना होगा, देन 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बहुत आसान है, तो जल्दी से कर लीजिए। 7/5 को 1 t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा t⁰/5 मे बी, यही आएगा, और यहां पर आ जाएगा t⁷/5 dt। मैंने इसे सेपरेट कर लिया, अब मैं इसे इंटीग्रेशन जो है वो लूंगा, लेकिन पहले सेपरेट कर लूँ। देखें 1, 3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं सेपरेट कर रहा हूँ इन्हें, तो ये हो गया 7/5 dt। अब मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन क्या कहती है, किसी चीज़ के ऊपर पावर आ जाए और उसका डेरिवेटिव भी आप बाहर मौजूद हो तो आप पावर में एक ऐड कर दें। देखें t का डेरिवेटिव वन यहाँ मौजूद है, तो पावर में आपको ऐड करना होगा t⁰/5 + 1 t⁰/5 + 1 1/3 t⁰/5 + 1 7/5 + 1, तो ये 1/3 ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा आपका 17/5
और ये आपका बन जाएगा 12/5। अब देखें, आपको जो क्वेश्चन दिया था वो एक्स की फॉर्म में था और आंसर आपने निकाला टी की फॉर्म में, तो आपको जो वैल्यूज जो है वो पुट करनी पड़ेगी। यहाँ कहीं आपने टी की जगह क्या वैल्यू सपोज की थी, एक्स क्यू प्लस वन। तो सिंपल, बहुत आसान है। एक्स क्यूब प्लस वन 17/5 माइनस वन ऑन 3 5/12। एक्स क्यूब प्लस वन 12/5 और प्लस सी, सी मीन्स कांस्टेंट। तो यहां तक जो आपका ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को है वो डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। मैंने जैसा कि क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि अगर होल पावर किसी चीज़ के ऊपर आ जाए, देन आपको देखना होगा कि उसके अंदर की होल पावर के अंदर की जितनी भी चीज़ें लिखी हैं क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ऊपर नीचे कहीं भी मौजूद है या नहीं। तो मैं देख लेता हूँ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2y तो नहीं मौजूद, y मौजूद है 2y मौजूद नहीं है। प्लस प्लस 6y का डेरिवेटिव 6, 3 मौजूद है यहाँ पर, 6 तो है नहीं। तो अगर मैं एक जो विजुलाइज करूँ कि अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी ऊपर वाले जो y प्लस 3 को होल से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2y हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाएगा। तो मेरा जो है ये डेरिवेटिव इजीली बन सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को ये देखिए सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको देखें हमेशा होल पावर की, होल पावर वाली चीज़ को देखना होता है। देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y की होल पावर 1/2 है, तो आपको यहाँ पर इस अंदर वाली एलिमेंट्स को देखना होगा कि इनका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इस पूरे एलिमेंट को मैं ऊपर ले गया हूँ तो माइनस 1/2 हो गया ये, और ये y प्लस 3 dy और इंटीग्रेशन। अच्छा, जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन बात है कि पावर जो है आपकी नेगेटिव हो जाएगी। 1/2 यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो मैंने माइनस साइन से शो भी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सपोज करूँगा, सपोजिशन, लेट टी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो dt/dy हो जाएगा ये, इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 6y का डेरिवेटिव 6। अगर आप ये नोट डाउन, अगर आप ये नोट डाउन करें, यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रही है और वो है 2, 2 कॉमन लिया, y प्लस 3 बन गया ये। देखिए वही चीज बन गई, y प्लस 3, और अब मैं क्या करूँगा, dt/2 बन जाएगा ये, और y प्लस 3 dy। देखें स्टूडेंट्स, कुछ भी चीज समझ ना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब मैं वैल्यूज को जो है वो टी की फॉर्म में यहां पर पुट कर रहा हूं। वाई स्क्वायर प्लस 6y को मैंने सपोज किया है टी, और टी की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2, क्योंकि पावर ऊपर गई थी ना, इस एलिमेंट को, पूरे एलिमेंट को मैं ऊपर लेके गया था। और y प्लस 3, ये देखें y प्लस 3 dy, ये इक्वल है dt/2। कॉन्स्टेंट को आप बाहर ले जाएं, इसका कोई काम नहीं होता डेरिवेटिव में, सॉरी इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया आपका इस तरह से क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके। क्या करेंगे अब स्टूडेंट्स,
देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किसी चीज के ऊपर अगर पावर आ जाए, पावर आ गई, आप इस चीज के ऊपर पावर आ गई नहीं, देखें तब आप लोगों ने जिस चीज के ऊपर पावर है उसका देखना है कि क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। टी का डेरिवेटिव यहाँ पर वन मौजूद है। टी का अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो यहाँ पर वन मौजूद है। देखें, जैसे कि किसी चीज के ऊपर जब पावर आ जाए ना तो उसके अंदर वाली चीजों को लेते हैं। होल पावर आ गई थी तो मैंने अंदर वाली चीजों को ली। अब यहां पर क्या है, होल पावर सिर्फ इसके ऊपर है, इसके अंदर कोई चीज ही नहीं है। मतलब अगर x के ऊपर पावर होती 3/2 तो मैं ये कहता कि आप x का देखें डेरिवेटिव है या नहीं। y प्लस टू की अगर होल पावर आ जाती 2 तो मैं आपको कहता कि y प्लस टू का डेरिवेटिव देखें आप। समझते हैं स्टूडेंट्स? तो इस तरह से तो यहां पर t का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। मतलब कोई चीज नहीं होती तो अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करवा भी दें तो वही रिजल्ट आएगा, तो 1 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और इंटीग्रेशन सॉल्व ऐसा के -1/2 + 1 - 1/2 + 1 + c। c मींस कांस्टेंट। जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देन सी आपको लगाना मस्ट है। इसकी जो इसका सी का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। इसको भी मैं ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सी हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं वो आप लोगों को खुद ब खुद जो है ना जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो सी का कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर लिया मैंने, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2 + c। 1/2 ये आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो ये 2 हो जाएगा t 1/2 + c। 2 से 2 कैंसिल। अच्छा 1 × t वही आ जाएगा t 1/2 + c। टी की जगह आप लोगों को वैल्यूज अगेन जो है वो वाई के फॉर्म में लाना होगा क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन आपको वाई के फॉर्म में गिवन है। तो आप अगर यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को नहीं छोड़ना, आप लोगों को आगे भी करना है। तो वाई की आप जो है वाई के फॉर्म में करना है। टी की जगह आपने क्या सपोज किया था, y² + 6y, तो y² + 6y होल पावर 1/2 + c। This is the answer। चलें स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है वो हम मूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है, लेकिन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन तो आप लोगों को करवाऊंगा भी, लेकिन ये एक बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि तमाम क्वेश्चंस मैथ में जो डिस्कस करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को करूंगा, ऐसी बात नहीं, और कुछ लोगों को आप लोगों को जो है वो टास्क में मिलेगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, कमेंट्स में आप लोग पूछेंगे, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाता और आप लोगों से नहीं हो रहा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन आस्क मी। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप आएँ, हम लोगों ने ये जो चैनल ओपन किए ये स्टडी से रिलेटेड है, ये इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, आप पूछें मुझसे। तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन 3 को देखें। अगर मैं सपोज करूं कि ये देखूं, सपोज तो बात की बात है, पहले ही मुझे देखना होगा कि देखें, अगर मैं सबसे पहला काम ये होगा x² - 24x^4 1/2 dx। देखें रूट की पावर होती है 1/2, तो मैंने रूट को लिखूं या एक्सटर्नल से लिखूं दोनों सेम है। मैंने कहा था आप लोगों को होल पावर आ जाए देन आपको क्या करना होगा कि उसके अंदर के एलिमेंट का डेरिवेटिव लाजमी मौजूद होना चाहिए बाहर। तो क्या डेरिवेटिव मौजूद है x² का 2x? कहीं मौजूद नहीं, नजर ही नहीं आ रहा यार, यहाँ तो है ही नहीं 24x^4 नहीं, यहाँ पर कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं। देन आपको एक नया जो है ना आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करना पड़ेगा। अर्जेंट डेरिवेटिव वगैरह तो मौजूद नहीं है ना, इस तरह से आप लोग सपोजिशन कर सकते हैं स्टार्ट में। तो क्या करना होगा, मैं अगर देखूं यहाँ पर देखें x² को मैं कॉमन ले सकता हूँ तो मैं ले लेता हूँ। देखें करके देखें आप क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर गलत होता कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा गलत होगा, दूसरी दफ़ा गलत होगा, लेकिन तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह आप ठीक करेंगे, चौथी दफ़ा ठीक करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो x² को कॉमन लिया तो यहाँ 1
माइनस 24 एक्स की पावर 4 और 1/2 होल dx। अगर इसको 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स स्क्वायर को तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर आ गई 1। अब होल पावर किस पे बची, सिर्फ 1/2 सिर्फ इस ब्रैकेट पे। सॉरी यहाँ पर जो है ना मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा क्योंकि कॉमन ले लिया ना मैंने आपसे। यहाँ से अरेंज कर लेता हूँ मैं, 1 माइनस 24 एक्स की पावर स्क्वायर 1/2 एक्स डी एक्स। अब सपोज करें आप, अब देखें आप डेरिवेटिव बन सकता है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर यानी 40 माइनस 48 एक्स, हाँ इजीली बन जाएगा, मुझे बस 48 की रिक्वायर्ड है, माइनस 48 रिक्वायर्ड है तो बन सकता है। मैं जो है यहाँ से पोजिशन लेट टी इक्वल टू 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, अप्लाई डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा ज़रूरी नहीं आप टी को ही सपोज करें, आप कोई भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स नहीं ले सकते, एक्स जो आपको क्वेश्चन में एक्स दिया मैंने तो वो नहीं ले सकते। तो डी टी ओवर डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 24 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 48, क्यों 48 क्यों होगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, देखें क्या होगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर का मैं यहाँ लेजर से करके दिखा देता हूँ, माइनस 24 ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48x, तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका रफ कॉलम, समझ में आ गया आप लोगों को। और डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 48x, डी टी अपॉन माइनस 48 इक्वल टू एक्स डी एक्स। देखिए मैं माइनस 48 को यहाँ पर मूव करवा दिया यहाँ पर, अब ये सेम एक्स डी एक्स की जगह मैं कर दूंगा डी टी ओवर 48, तो वैल्यूज को रिप्लेस कर दें आप जैसा कि लास्ट वीडियोज में हम करते रहे, 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर को मैंने सपोज किया टी, तो टी की होल पावर हो गई 1/2, यहाँ पर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, 1 माइनस 48 कॉन्स्टेंट बाहर, माइनस का था ना ये, तो मैंने टी की हॉल पावर 1/2 है, टी का डेरिवेटिव आप देखें, पावर आ गई, पावर के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है मतलब होल पावर किस चीज की, टी की ना, तो टी का डेरिवेटिव क्या मौजूद है यहाँ पर, टी का डेरिवेटिव 1, विद रिस्पेक्ट टू टी अगर लेंगे टी का डेरिवेटिव तो 1 बनेगा, तो 1 यहाँ पर है, तो ये आपका आपकी टी की पावर बन जाएगी 1/2 + 1, 1/2 + 1। सिंपल आप लोगों को क्या करना होगा, 3/2, टी की जगह आप लोगों ने क्या सपोजिशन की थी, 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, इसकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी है, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। टू बाय थ्री 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी, और ये आपका आ चुका है आंसर। गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिस्पांस दूंगा, और कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं देन यू कैन ईजिली आस्क मी, और आप अपने पेपर्स को जो है वो पेपर्स की इस वक्त भरपूर तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, ये ऐसा क्रूशियल टाइम है जो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लगा सकता है, और इंटीग्रेशन एक ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है।